हेलो फ्रेंड्स, आई मीन टू वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, एक्ने, पिंपल्स, ये सब दूर हो जाएंगे। ओके, अब बहुत बुरे लगते हैं, किसी किसी के तो पूरे चेहरे पे आपने देखे होंगे, बहुत ज्यादा मोटे मोटे जाते हैं। किसी के टीनएजर्स के तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है कि ये जो है पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, फिर उनके जो दाग हो जाते हैं वो और भी ज्यादा बुरे लगते हैं। एक्ने, पिंपल्स ये ना हो, चिकन पॉक्स के भी जो दाग होते हैं, आप ये रेमेडी यूज करोगे तो चिकन पॉक्स के दाग भी आपके चले जाएंगे, बट धीरे धीरे जाते हैं, एकदम नहीं जाने वाले। ओके, कि आपने आज यूज करे तो आप आज चला गया, बट पिंपल्स पे एकदम जो पिंपल्स होते हैं उस पर ये वर्क करेगा, एकदम ही वर्क करेगा, बट जो भी निशान वगैरह जो होते हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे अगर आप इसे डेली यूज पे लेकर आओगे। बिकॉज आप डेली यूज नहीं कर सकते, एक दिन छोड़ के भी आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा होने वाला है, बल्कि आपकी स्किन जो है इस रेमेडी से लाइट भी होगी और एकदम इवन हो जाएगी आपकी स्किन। जो इवन स्किन तो अच्छी लगती है, ओके, ग्लोइंग स्किन अच्छी लगती है, तो हमारी स्किन जो हो जाएगी ग्लोइंग। अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको अपने स्किन पे जरूर रिजल्ट मिलने वाला है, ये 100% वर्क करता है। तो प्लीज गाइज, मैं ये सजेस्ट करूंगी आप ये जरूर कीजिएगा। मैंने इसमें 10 से 15 तुलसी के पत्ते वॉश कर लेने हैं अच्छे, और ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसे आपको अच्छे से पीस लेना है। ओके, तो मैं इसे पीस लूंगी इस तरीके से, देखिए। देखिए इस तरीके से पीस किया है। अब इसमें मैं हाफ लेमन जो है इसमें ऐड कर दूंगी, ओके, इस तरीके से, और थोड़ा सा इसे क्रश में और कर दूंगी। अब हम इसे करेंगे अपने फेस पे अप्लाई। पैक बनके तैयार हो गया है, ओके, ये रेमेडी बनके तैयार हो गई है, मैंने आज के बाउल में डाल ली है, ये कुछ इस तरीके की बनी है, देख रहे होंगे। अब हम स्पॉट, एक्ने, पिंपल्स के बारे में बता रहे हैं तो उन पे लगा लीजिए, बट आप उन पे नहीं, पूरे फेस पे लगाइए। अगर आप पूरे फेस पे लगाओ तो आपके पूरे फेस की स्किन जो है क्लियर होगी। वो इस तरीके से लगा लिया, ओके, ये देखिए गाइस। तो आपने क्या है इस पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, ओके। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर पिंपल्स है, इधर पिंपल्स है, ये पूरे यहाँ पर पिंपल्स हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा डार्क सा इसको ऐसे करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपके पिंपल्स हो रहे हैं, बट पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है, उसको पानी वाटर वगैरह पूरे फेस पे अप्लाई करना है, और जहाँ पिंपल्स है तो उसको आप ऐसे करके उसे रख लीजिए इस तरीके से आप रख सकते हो। तो गाइस देखिए, आपको इस तरीके से लगा लेना है, और आपको रखना है 15 से 20 मिनट, जैसे आपके पास में टाइम हो, टाइम के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। आप 15 मिनट टाइम हो तो 15 मिनट रख सकते हो, 20 मिनट हो तो 20 मिनट रख सकते हो, आपकी स्किन हो जाएगी इससे बिल्कुल इवन। सो गाइस, आपने देख लिया होगा ये डीआईवाई कितना ईजी है, आपको घर में मिल जाना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। अगर आप इसे रेगुलरली यूज करोगे, रेगुलर यूज नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के भी अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे इसके। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो, और कमेंट भी करना है कि आपको क्या फर्क आया है इसका यूज करने के बाद में, आपको कैसा लगा है मेरी वीडियो, आपको कैसी लगती है। और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और बगल में बेल आइकन की घंटी आएगी उसे भी जरूर दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।